सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहे मंडल मुख्यालय स्थित गार्डर पुल की तस्वीरों के बाद नगरपालिका अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नगरपालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम ने कहा कि कुछ अज्ञानी लोग लगातार मंडल मुख्यालय पौड़ी में बना रहे गार्डर पुल के संबंध में भ्रांतियाँ फैला रहे हैं जो कि निराधार हैं। उन्होंने कहा कि पुल को बनाने में चीफ इंजीनियर के साथ ही काम कर रहे जेई ने भी इसमें अपनी पूरी तरह से संतुष्टि जाहिर की है। यह पुल किसी तरह से खतरे की जद में नहीं है। वही लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा भी इस गार्डर पुल का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान सभी चीज़ों से वे संतुष्ट नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि इसका डिज़ाइन भी मुंबई के आर्किटेक्ट ने बनाया है। यह पुल पूरी तरह से सुरक्षित है और इस पर किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए। पौड़ी से मुकेश बछेदी की रिपोर्ट। इस पुल को लेकर कुछ नौसिखिए लोगों के द्वारा या जो स्वयं को नौसिखिए जो खोजी मैं कहूँगा कि हमारे मित्र हैं वो चौथे स्तंभ से जुड़े हैं उनके द्वारा भी और एक कई लोगों के द्वारा इस पुल निर्माण को लेकर शंका व्यक्त की गई वो सही बात होती है। लेकिन आप जो जो हमारा एक बेसमेंट बना है जो कि आरसीसी से बना हुआ है उसको आप पुस्ता कह रहे हैं और जो बिम बना हुआ है 32 mm की सरिया से, जहाँ तक मेरा अपना इतना अनुभव होने के बाद मैं नगर पालिका अध्यक्ष विधायक तमाम तरह के कार्य कराए हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों को भी आई थी कि इसमें लोगों को एक थोड़ा सा एक उनके अप्रिहेंशंस थे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं उससे डिजाइनर ने पीडब्ल्यूडी ने कहीं ना कहीं उसमें कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो कल एनसी साहब का भी एक संदेश आया था इसको देखने के लिए, तो इसकी ड्राइंग वगैरह तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, तो आज साइट विजिट भी किया था मैंने। तो इसका सबसे पहली बात तो यह है कि जो इसका डिज़ाइन है वो हमारे एक डिज़ाइन टेक कंसल्टेंसी कंपनी है जो काफ़ी एक रिनाउंड कंसल्टेंट है हमारे उत्तराखंड के,